मैंने आपको डिटेल समझाने की कोशिश की थी बुक में से जो चार फोर टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज हैं और उनको रिकॉर्ड कैसे करना है और उसके इफेक्ट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, वो चारों डिटेल में समझाई थी। अब और उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन प्रॉब्लम दी थी आपको ये सॉल्व करने के लिए, तो इसमें अगर कोई क्यूरियस है तो वो पहले डिस्कस करें प्लीज़। ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, कह रहे हैं इंटरनेट कंसल्टिंग सर्विस इन कॉरपोरेशन एडजस्ट इट्स अकाउंट्स एवरी मंथ। ये हर महीने, देखिए उसने शुरू में कह दिया ये ईयर वाइज नहीं करती, ये बल्कि मंथली अपने अकाउंट्स एडजस्ट करती है। ठीक है, ऑन द फॉलोइंग पेज इज द कंपनीज ईयर एंड अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस डेटेड 31 दिसंबर 2011। उसने हमें अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ब्रैकेट में कह रहा है बियर इन माइंड दैट एडजस्टिंग एंट्रीज ऑलरेडी हैव बीन मेड फॉर द फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ 2011। कह रहा है फर्स्ट 11 मंथ्स की एडजस्टिंग एंट्रीज कर चुके हुए हैं, सिर्फ दिसंबर की रहती है, बट हैव नॉट बीन मेड फॉर दिसंबर। ये बात क्लियर होगी कि अभी तक दिसंबर 11 मंथ्स की हम कर चुके हुए हैं एडजस्टिंग, सिर्फ दिसंबर की एडजस्टिंग एंट्रीज करना रहती है। क्लियर, अब एक नजर गो थ्रू कर लेते हैं इसका अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, जरा देख लें। ये ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेट कंसल्टिंग सर्विस इनकॉर्पोरेशन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिसंबर 31, 2011। क्लियर, अब इसमें आपको पहले बैलेंस शीट की आइटम्स आएंगी, कैश, फिर कंसल्टिंग फीस रिसीवेबल, फिर प्रीपेड ऑफिस रेंट, फिर प्रीपेड ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन, सप्लाईज, इक्विपमेंट और फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहाँ तक ये आपकी एसेट साइड्स की आइटम आ रही है। क्लियर, जिसमें आपकी कंसल्टिंग फीस रिसीवेबल अभी 23,400 रहती है, प्रीपेड रेंट ऑफिस जो आपने अदा किया एडवांस में 6,300 एडवांस में पे किया हुआ है, लेकिन इसमें से अभी तक हमने दिसंबर का नहीं काटा, दिसंबर का राइट ऑफ नहीं किया। जैसे आपका प्रीपेड कार्ड यूज हो गया ना दिसंबर के महीने में जितना, तो प्रीपेड ऑफिस रेंट अगर दिसंबर के महीने का है तो वो हमें इसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा, वो देखते हैं कैसे करते हैं। प्रीपेड ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन कुछ हमने अदा की हुई है, सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज कुछ पड़ी हुई, ऑफिस स्टेशनरी वगैरह की आइटम्स जिनको इन्वेंट्री कहते हैं, और इक्विपमेंट हमारा फिक्स्ड एसेट है 36,000 का पड़ा हुआ। ठीक है, और बाकी हमारे पास क्या पड़े हुए हैं जनाब, लायबिलिटी साइड पे आ जाए तो नोट्स पेएबल, इनकम टैक्स पेएबल। ये इनकम टैक्स पेएबल पिछले 11 महीनों के पड़े हुए हैं, 12,000 अभी तक अदा नहीं किया हमने। ठीक है, फिर अनअर्न्ड कंसल्टिंग फीस, ये आपकी बड़ी लायबिलिटी होती है, मैंने बताया था जो अनअर्न्ड आ जाए वो आपकी लायबिलिटी होती है, याद रखिएगा अनअर्न्ड कंसल्टिंग फीस ये आपकी लायबिलिटी है, यानी आपने पैसे कुछ एडवांस में ले लिए थे लेकिन अभी कंसल्टिंग फीस अदा नहीं की। कैपिटल स्टॉक आ जाता है फिर आपका, और कैपिटल स्टॉक के साथ क्या आती है, रिटेन्ड अर्निंग आती है। फिर उसके बाद आ रहा है डिविडेंड, इन्होंने 60,000 रिकॉर्ड किया हुआ यहाँ पे डेबिट साइड पे, डिक्लेयर किया हुआ ये स्टेट बैंक इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, फिर कंसल्टिंग फीस अर्न्ड, ये अर्न कर ली हुई, ये आपका एक्चुअल रेवेन्यू है, ये आगे सारी इनकम स्टेटमेंट की आइटम आ जाती है डिविडेंड के बाद। तो इनकम स्टेटमेंट के बाद, सॉरी डिविडेंड के बाद इनकम स्टेटमेंट की आइटम में सबसे पहली चीज होती है रेवेन्यू, या तो सेल्स आएंगी या फिर रेवेन्यू आएगा। तो रेवेन्यू यहाँ पे क्या है, कंसल्टिंग फीस अर्न्ड, और बाकी फिर सारे एक्सपेंसेस माइनस कर रहे हैं, सैलरीज एक्सपेंस, टेलीफोन रेंट, और ये एक्सपेंसेस कब तक के हैं, नवंबर तक के। ठीक है, याद रखिएगा ये सारे रिकॉर्ड कब तक के किए हुए हैं, नवंबर तक के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड किए हुए हैं, इसमें अभी हमने दिसंबर के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए। ये बात क्लियर होगी बेटा आपको? ठीक है, ये हमने अभी तक सिर्फ इंस्ट्रक्शन पढ़ी है मेन पैराग्राफ की और अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का रिव्यू किया है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अदर डाटा हमें दिया हुआ है, उसमें आइटम्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इसके नीचे भी है 7, 8, 9, टोटल 9 हमें डाटा दिया हुआ है। पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, कह रहे हैं प्रिपेयर द नेसेसरी एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज ऑन दिसंबर 31, 2011। ठीक हो गया जी, हम एडजस्टिंग एंट्रीज करते हैं दिसंबर 31, 2011 को, दिसंबर की क्लोजिंग एंट्रीज होंगी, ये दिसंबर के मंथ की एडजस्टिंग एंट्रीज होंगी, सॉरी। और बी पार्ट में कह रहे हैं डिटरमिन द अमाउंट्स टू बी रिपोर्टेड इन द कंपनीज ईयर एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स, ये बी वाला पार्ट में करेंगे। पहले हम जाके सिर्फ ए पार्ट में, दो जस्ट अ मिनट,
ए पार्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। नंबर वन एंट्री है, अब ध्यान से समझते जाइएगा और जो प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। नंबर वन कह रहा है, ऑन दिसंबर 1 द कंपनी साइंड अ न्यू रेंटल एग्रीमेंट एंड पेड 3 months रेंट इन एडवांस रेट ऑफ $2,100 पर मंथ। तो 1 दिसंबर को 3 महीने का इकट्ठा रेंट पे कर दिया था, तो तब एंट्री उस वक्त क्या की होगी इन्होंने, कोई बताएगा मुझे आप में से, कि जब इकट्ठा रेंट पे कर दिया था तो उस वक्त 1 दिसंबर को क्या एंट्री हुई होगी हमारे से, कैश चला जाता जी। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हुआ होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट, तो कितनी अमाउंट से हुआ होगा? 6,300। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो 6,300 से प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया था, वेरी गुड। अच्छा अब कह रहे दिस एडवांस पेमेंट वाज डेबिटेड, उसने खुद ही बता दिया कि डेबिट किसको किया था, प्रीपेड ऑफिस रेंट अकाउंट, और कैश को क्रेडिट किया था, ये तो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इसकी ये तो दिसंबर 1 की एंट्री बता दी है, अब 31 दिसंबर को इसकी एंट्री क्या करेंगे जी बताइए। 31 दिसंबर को रेंट यूज कर लिए, एक महीने का रेंट यूज, रेंट एक्सपेंस 2100 डेबिट, वेरी गुड, कैश 2100 क्रेडिट, नो प्रीपेड ऑफिस रेंट अकाउंट क्रेडिट, वेरी गुड। तो दोबारा सुन लीजिए, 31 दिसंबर को पूरे महीने का हमने एक महीने का रेंट जो है वो यूटिलाइज कर लिया, तो अब हम एंट्री करेंगे रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2100 से और प्रीपेड ऑफिस रेंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा हमारा 2100 से। इसमें बेटा किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। सर रिपीट करें जी बेटा, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 2100 से और प्रीपेड ऑफिस रेंट अकाउंट जो हमारा एसेट था वो कम हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसलिए क्रेडिट साइड पे आएगा प्रीपेड ऑफिस रेंट अकाउंट 2100 से क्रेडिट, ठीक है सर। या फर्स्ट एंट्री की बात कर रहे हैं? ये सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री तो 6300 से हुई थी, फर्स्ट एंट्री 6300 से हुई थी, ठीक है। तो अभी सिर्फ सर हम दिसंबर का जो है वो उसको एडजस्ट करेंगे जी, हाँ जी, हमें 1 दिसंबर की एंट्री तो बुक्स में आपकी हो गई हुई है, वो आपको क्या कह रहा है, कह रहा है आपने इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, वो आपको इंस्ट्रक्शन में जाके कह रहा है जनाब आप 31 दिसंबर की एंट्रीज करें, आपने 1 दिसंबर की एंट्री नहीं करनी, आपने सिर्फ 31 दिसंबर की एंट्री करनी है, ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो 1 दिसंबर की तो पहले हो चुकी हुई है आपकी बुक्स में, सही है, तो आप सिर्फ एक एंट्री करेंगे बस, जो यहाँ पे हुई है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एंट्री करेंगे बस, रेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और प्रीपेड रेंट अकाउंट ऑफिस रेंट अकाउंट क्रेडिट 2100 से, ठीक है। तो दिसंबर रेंट देखिए उसने लिखा हुआ दिसंबर रेंट एडजस्टेड, वो एडजस्ट हो गया, वो आपका जो यूटिलाइज हो गया आपने उसको एसेट को कन्वर्ट कर दिया एक्सपेंस में, ये आपका एसेट डिक्रीज हो गया क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे उतना ही एसेट आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, नंबर 2 कह रहे ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस एक्सपायरिंग ड्यूरिंग दिसंबर अमाउंटेड टू $50। कह रहे ऐसे ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस जो एक्सपायर हो रहे हैं दिसंबर के महीने में उनकी अमाउंट कितनी है $50। ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस जो, दोबारा पढ़ो, ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस जो कि एक्सपायर हो रहे हैं, एक्सपायर का मतलब यूटिलाइज हो रहे हैं दिसंबर के मंथ में, उनकी अमाउंट है $50, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सिंपल देखिएगा, उसने ये देखिएगा आपको अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ये दिया हुआ है प्रीपेड ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस, ठीक है, ये 300 के है ना प्रीपेड ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शंस, ये पहले से दियो, इसमें से वो कह रहा है $50 के यूटिलाइज हो चुके हैं दिसंबर में, ठीक है। तो एंट्री बताइएगा प्लीज इसकी, ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस आपका डेबिट हो जाएगा और प्रीपेड ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन आपका क्रेडिट हो जाएगा, वेरी गुड, 50-50 एग्जैक्टली तो उतना आपका यूटिलाइज हो गया, जितना आपका ये प्रीपेड यूटिलाइज हो जाएगा उतने से क्रेडिट हो जाएगा, आपका एसेट क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और यही चीज एक्सपेंस बन के डेबिट साइड पे आ जाएगी, गुड शाबाश।
ठीक है जी, तो ये देखिएगा ये एंट्री की हुई है ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट और प्रीपेड ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट $50 से, ठीक है। सेकेंड एंट्री तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो प्लीज आस्क मी सर। सर इसमें जब भी एक क्वेश्चन आएगा एडजस्टेड एंट्रीज का तो उसमें अनएडजस्टेड एंट्रीज गिवन होंगी हमें? जी बेटा, ये सवाल में गिवन है ना, वही जो गिवन है ये आपको दी होंगी, ऐसे सेम एज इट इज क्वेश्चन होगा जिसमें ये जो आपको डाटा दिया हुआ है ये गिवन होगा, ठीक है, सही है, ये डाटा गिवन होगा और ये ट्रायल बैलेंस भी गिवन होगा, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, सही है। अच्छा जी, नंबर 3, एन एस्टिमेट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड वॉज मेड एट दिसंबर 31, द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द अनयूज्ड सप्लाईज वॉज $450। अच्छा जी, सप्लाईज देख लेते हैं हमारे पास कितनी थी, ये सप्लाईज आ रही है आपके पास 600, अच्छा ये $600 की आपके पास सप्लाईज पड़ी हुई है अनएडजस्टेड में। अब दोबारा फिक्रा जरा ध्यान से सुनिएगा, उसने फिक्रा जरा घुमाया थोड़ा सा, कह रहा है एन एस्टिमेट ऑफ सप्लाईज ऑन हैंड वॉज मेड एट दिसंबर 31, यानी आपने बाय हैंड काउंटिंग की है, इन्वेंट्री को काउंट किया है, तो जब इन्वेंट्री को आपने काउंट किया एग्जैक्टली इन्वेंट्री जो आपने काउंट की ना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं ये जरा एक्सप्लेन कर दूं, जो इन्वेंट्री आपने काउंट की, सप्लाईज आपने काउंट की ना स्टोर में जाके ऑन हैंड, ठीक है, 31 दिसंबर को, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ अनयूज्ड, ऐसी चीजें जो अभी अनयूज्ड पड़ी हुई है आपके पास सप्लाईज में, $450 की पड़ी हुई है मौजूद है, तो यूटिलाइज कितनी होगी है वो कैसे पता चलेगा आपके पास, देखिएगा 600 थी तो 600 में से बाकी कितनी बच गई है अभी आपके पास 450 और अनयूज्ड बची हुई है, अनयूज्ड का वर्ड आपको बता रहा है कि अभी अभी तक आपके पास मौजूद है, यूटिलाइज कितनी होगी फिर 600 में से 450 माइनस कर देंगे तो $150 की यूटिलाइज हो गई है, ठीक है, तो 150 जो सप्लाईज यूटिलाइज हो गई है उसकी एंट्री हम क्या करेंगे जी, बताइए कोई प्लीज। एक्सपेंस में डेबिट हो जाएगा सर? बिल्कुल, सप्लाई डेबिट जाएंगी 150 की और सप्लाई एक्सपेंस जो है वो नहीं, सप्लाई जो है क्रेडिट जाएंगी 150 की और सप्लाई एक्सपेंस जो है वो डेबिट हो जाएगा 150 का। बिल्कुल, अनयूज्ड सप्लाई होगा जो सिर्फ यूटिलाइज हुई है ना, सिर्फ उसकी एंट्री करनी है आपने, ठीक है, जो सिर्फ यूटिलाइज हुई है ये देखिए सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट हो जाएंगी, जितनी यूटिलाइज हुई है हमने 600 में से 450 माइनस किया तो 150 हमने दिसंबर में यूटिलाइज कर ली है, बाकी अनयूज्ड 450 की पड़ी हुई है, तो फिक्रा वो सीधा भी कह सकता था कि भाई हमने दिसंबर में 150 यूटिलाइज कर ली है, लेकिन उसे थोड़ा सा घुमाया, ठीक है, कंफ्यूजिंग के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछे जाते हैं इसी तरह से, ठीक है। सर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऊपर जी बेटा, वहां पे सप्लाई एक्सपेंस जो लिखा है वो ये सप्लाई किस तरह हुआ है, ये वाला सप्लाई एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस ये बेटा पिछले 11 months का, ये पिछले 11 months की रिकॉर्डिंग है, ठीक है, उसने ऊपर बताया ना हमें कि ये पिछले 11 months तक रिकॉर्ड कर चुके हुए हैं, इसमें दिसंबर की एंट्री नहीं है। अब आप मुझे बताएं बेटा, आपसे सवाल है कि ये इस महीने का जो 150 सप्लाईज एक्सपेंस मजीद हो गया दिसंबर का, 1600 कितने मंथ्स का था, 11 months का, तो 1 month का 150 इसमें और ऐड कर देंगे तो टोटल सप्लाईज एक्सपेंस कितना हो जाएगा, 1750। बिल्कुल ठीक है, इसको याद रखना, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई है, सही है। सर एक चीज बताइएगा कि ये जब हम एडजस्टेड जनरल जर्नल बना रहे होंगे तो उसमें हमारे ये जो एक्सपेंस है इसका तो कोई काम नहीं है ना, ये तो हम टी अकाउंट्स में यूज करेंगे इसको, लेकिन एक्सपेंस का ये जो एक्सपेंस यहाँ दिया हुआ है जो अभी हम एडजस्टेड बना रहे हैं उसमें तो कोई काम नहीं है ना इन एक्सपेंसेस का, जो हो चुके हैं ऑलरेडी 11 मंथ्स के। जी जी, जो 11 जनरल की बात कर रहा हूँ। जी जी, जो 11 मंथ्स के हो चुके हैं ना उनको टी अकाउंट्स के एडजस्ट करके हमने उनका ट्रायल बैलेंस बना लिया हुआ, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है ना इनके बाद में टी अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इनको सीधा सीधा ट्रायल बैलेंस में उठा के पोस्ट कर देते हैं। अदरवाइज तो एंट्री का प्रोसीजर क्या होता है, सबसे पहले जर्नल बनाओ, फिर टी अकाउंट्स लेजर्स बनाओ और फिर उसके बाद बनाओ ट्रायल बैलेंस, तो इन एंट्रीज के साथ भी सेम होना चाहिए ना, लेकिन इस आसानी के लिए पता क्या करते हैं,
सिर्फ इन एंट्रीज को जो एडजस्टिंग एंट्रीज हम सीख रहे हैं ना, इनको सीधा सीधा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में उठा के रख देते हैं। अभी सीखेंगे, मैं यही बात बता रहा हूँ। देखिएगा सप्लाईज एक्सपेंस पिछला 1600 पड़ा हुआ है 11 महीने का, इस महीने का कितना मजीद हो गया 150, ऐड होके कितना हो जाएगा 1750 हो जाएगा। तो अगला जो आपके पास एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनेगा ना, उसमें सप्लाईज एक्सपेंस देखिएगा 1750 का होगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा आप लोग सप्लाईज उसमें कितने की शो हो रही होंगी, ये जो सप्लाईज यहाँ पे शो हो रही है 600 की, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में सप्लाईज कितनी शो होंगी बताएं मुझे। 450, वेरी गुड, ठीक है, अच्छी वाली तो अकाउंटिंग आती है यार आप लोगों को, ऐसी कहते हो नहीं आती, ठीक है, सही है। अच्छा तो सप्लाईज आपकी 450 की शो हो रही होंगी और सप्लाईज एक्सपेंस आपका बढ़ के 1750 का शो होगा। चलें नाउ मूव टू नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4। द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट हैज बीन एस्टिमेटेड एट 5 years, 5 years में 60 मंथ्स होते हैं, उसने मल्टीप्लाई बाय 12 किया हुआ फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन। तो इक्विपमेंट की जो यूजफुल लाइफ है, अच्छा अभी हमारे पास 10 मिनट है, तो इक्विपमेंट की यूजफुल लाइफ हमारे पास दी हुई है जी 60 मंथ्स की। तो देखिएगा इसका डेप्रिसिएशन निकालने का बड़ा आसान तरीका है, इक्विपमेंट की जितनी भी टोटल अमाउंट होगी ना उसको 60 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक महीने की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, ठीक है। तो दिसंबर की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे, देखिएगा इक्विपमेंट की अमाउंट आपके पास यहाँ देखते हैं कितनी दी हुई है, ये आपके पास दी है 36,000 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो देखिएगा आपके पास अमाउंट कितनी आती है। अगर आपके पास कैलकुलेटर है किसी के पास तो मेरे ख्याल में 1800 समथिंग आएगी। तो देखते हैं इसकी ट्रांजैक्शन किसी हुई है, 1800 आ रही है। डेप्रिसिएशन की सिंपल एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आपकी क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। देखिए उसने नीचे कैलकुलेशन भी बताई हुई है, 36,000 को 60 मंथ्स पे डिवाइड करेंगे तो 1 month की, तो हमारे पास सिर्फ दिसंबर के मंथ की जो एडजस्टिंग रहती थी वो हमारे पास एडजस्ट नहीं 600 आ रही है जी सर, 600 ही है 60 मंथ्स का, ठीक है ठीक है ठीक है 60 मंथ्स का, सही है, ठीक हो गया, मैं 20 समझ रहा था सॉरी। तो सर रिपीट कर दें ये वाला पॉइंट जी बेटा, जब भी डेप्रिसिएशन आपको आएगा पूछा जाएगा तो उसके नंबर ऑफ मंथ्स या नंबर ऑफ इयर्स दिए होंगे तो आपने उसकी पहले सबसे पहले क्या करना है, उसकी जो टोटल कॉस्ट है उसको नंबर ऑफ मंथ्स पर डिवाइड कर देना तो उसकी पर मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो 1 month की रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ देखिए 11 months की उसने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर ली हुई है, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, उसने 11 months की डेप्रिसिएशन यहाँ पे रिकॉर्ड कर चुका हुआ, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,200, ये कितने मंथ्स की है 11 months की पहले शो हो चुकी है, बल्कि 11 months की नहीं, ये जब से मशीनरी परचेज की है तब से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसमें जमा होती जा रही है। अक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, जमा होना, जमा होना। और नीचे देखिएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा होगा, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ रहा है ना, तो ये पूरे साल का है। देखिएगा 11 को मल्टीप्लाई बाय आप 600 करें जरा सर, यही आएगा, ठीक है 600 तो समझ में आ रहा है लेकिन ऊपर ये 10,200 ये बेटा जब से मशीनरी परचेज की है ना, जब से ये एक साल इसमें तो सिर्फ एक साल का आ रहा है ना एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ। ये वैल्यू कहाँ से आई 10,200 जब से उसने मशीनरी परचेज किया, ठीक है। अगर हमें ये इनिशियल डेट बता दे यहाँ पे कि कब परचेज की थी इसने, देखो इसने यहाँ पे डेट नहीं बताई, क्या बताई है फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन बताई है, ऐसे ही है? अगर हमें यहाँ डेट बताई हो ना तो हमें एग्जैक्टली मैं आपको बता दूँ कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पिछले कितने सालों की आ रही है, ठीक है सही। सर ये जो क्वेश्चन है सर ये एडजस्टिंग एंट्रीज में से ही आ रहा है क्या बोला, ये जो एग्जांपल आप समझा रहे हैं ये एडजस्टिंग एंट्री की एग्जांपल है जी जी, एडजस्टिंग एंट्रीज में जा रहा हूं, ये सारी एडजस्टिंग एंट्रीज है। सर आप शुरू में कह रहे थे ना कि हम गो थ्रू कर लेते हैं शुरू के 4 points को, सर मुश्किल हो रही है समझने में, आई गेस वही मैंने ये कहा था कि आप 2 videos अगर आप वो अच्छी तरह देख लेते, सर वो मैं अच्छी तरह 1 घंटा पहले देख कर बैठा हूं लेकिन मैं क्योंकि पहली दफा अकाउंटिंग पढ़ रहा हूं। बिल्कुल, और मैंने यही पहले लेक्चर शुरू होने से पहले यही कहा है कि अगर उनमें भी प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से पूछ लें आप। चलें अब ये एडजस्टिंग एंट्री हम सीख रहे हैं ना, तो एडजस्टिंग एंट्री के बारे में मैं आपको बता देता हूँ जो ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है, ताकि साथ साथ उनके बारे में भी समझाता जाऊँ, ठीक है। और एडजस्टिंग एंट्रीज का हमारे पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट आती है कन्वर्टिंग एसेट इंटू एक्सपेंसेस, ठीक है। बल्कि ऐसा करें ये आप पूरी होने दें ये प्रॉब्लम, ठीक है, इस प्रॉब्लम के बाद आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूंगा वो भी सही है।
और इसी में इसी इसी के अंदर ही उसके आंसर आ जाएंगे। अगर आपने एंट्री सही तरीके से समझ ली, आप वो जो ऊपर फोर टाइप्स हैं तो उसके अंदर आप वो इजीली समझ लेंगे, ठीक है। तो ये जरा कोशिश करें इसको, मुझसे पूछें कि सर मुझे दोबारा बता दें, मुझे क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं दोबारा उसको आसान वे में और आसान तरीके से समझा दूंगा, सही है, ठीक है। तो ये देखिएगा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जितने जितने मंथ वो एसेट को, ये भी आपके पास एसेट है, आपके पास बाइक है, गाड़ी है, आप उसको यूटिलाइज करते हैं ना, तो हर महीने उसकी वैल्यू कम होती जाती है। वो उसने बताया हुआ कि वैल्यू कम होने को रिकॉर्ड कैसे करना है, ठीक है। उस एक महीने के लेट सपोज वो आप गाड़ी या कोई भी परचेज करते हैं, उसके ऊपर उसकी एस्टिमेटेड लाइफ लिखी होती है कि भाई इतने साल तक कंपनी वाले कहते हैं कि यार इतने साल तक इस गाड़ी की एस्टिमेटेड लाइफ है, उसके बाद आप गाड़ी आपको गाड़ी या इंजन चेंज कर लेना चाहिए। तो इसमें बिल्ड इसमें जो इक्विपमेंट है ना जो बिजनेस के पास, वो $36,000 का था और उसकी उन्होंने एस्टिमेटेड लाइफ बताई थी 60 मंथ्स, ठीक है जी। तो 60 मंथ्स बताई थी, तो 1 मंथ की उसकी वैल्यू कम होके कितनी रह जाएगी, 36,000 को 60 पर डिवाइड करेंगे तो दिसंबर के महीने की जो उसकी इक्विपमेंट की वैल्यू है वो कम हो गई है, उसको हमने ऐसे रिकॉर्ड करेंगे। उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट इक्विपमेंट का, यानी इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन वैल्यू कम हो गई कितने से, 600 से। और यही एक अकाउंट हम एक तरफ कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट बनाते जाते हैं, उसे कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट अकाउंट। यही ये एक्यूमुलेट का मतलब होता है सारे पिछले महीनों की इकट्ठी करना, ठीक है, इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इक्विपमेंट कहते हैं 600। तो ये वाली एंट्री होगी डेप्रिसिएशन की, जब भी बात आएगी तो ये एंट्री आपने सिर्फ लिख देनी है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, और साथ में उस एसेट का नाम आ जाएगा, सही है। अच्छा आगे चलते हैं नंबर 5 ट्रांजेक्शन पे जी। नंबर 5 है एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रू का मतलब होता है, याद रखिए, इकट्ठा करना, एक्यूमुलेट करना, ठीक है। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन नोट्स पेएबल अमाउंटेड टू $100 एट ईयर एंड। कह रहे accrued interest है on notes payable पे जिनकी जिसकी अमाउंट कितनी है $100 की ईयर एंड पे, सेट अप अकाउंट्स फॉर इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड फॉर इंटरेस्ट पेबल। उसने खुद ही बता दिया कि आप अकाउंट्स कौन से बनाए, इंटरेस्ट एक्सपेंस का बना लें और एक इंटरेस्ट पेबल का। तो ये हमारी नंबर 4 एडजस्टिंग एंट्री है टाइप, जिसमें आप accrue करते हैं, accrue का मतलब होता है इकट्ठे करते हैं, accumulate करते हैं जो ऐसे expenses जो अभी तक अदा नहीं हुए, जो अभी तक अदा नहीं उसको क्या कहते हैं, payable कहा जाता है, ठीक है। तो एक तरफ आपका ये इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा $100 और एक तरफ आपका इंटरेस्ट पेबल बन जाएगा। देखिएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट टू इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, ये आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट और इंटरेस्ट पेबल अकाउंट। इसमें किसी को कंफ्यूजन है बेटा, पूछें। सर नोट्स पेबल नहीं लिखेंगे? नहीं, उसने देखें एंट्री में क्या कहा है बेटा, उसने एंट्री में क्या कहा है ये देखें, उसने कहा है accrued interest ऑन नोट्स पेबल। नोट्स पेबल कोई आपने साइन किए हुए हैं जो लॉन्ग टर्म के हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पड़ रहा है, ठीक है, वो इंटरेस्ट $100 का ईयर एंड पे, सही है, उसको रिकॉर्ड करना है। नोट्स पेबल को रिकॉर्ड नहीं कर रहे, नोट्स पेबल की जितनी अमाउंट है ना उसके ऊपर इंटरेस्ट की अमाउंट वो शो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, आप एग्जाम में ये देंगे सेटअप अकाउंट्स इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह? जी बेटा, जो जावे आप घबराए नहीं, ठीक है, कोई इतना मुश्किल पेपर नहीं आएगा। जी जी सर, ये तो $100 ईयर एंड का लिखा है ना, 1 मंथ का तो नहीं लिखा हुआ? नहीं, उसने बता दिया आपको कि ईयर एंड का है, तो ईयर एंड का आपने टोटल आपने उसको काउंट कर लेना, ठीक है, जितना बताया हुआ। अभी तक तो हम सारे मंथ्स की कर रहे थे, एक एक मंथ का कंसीडर कर रहे थे। अच्छा देखिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेबल लिखा हुआ उसने अनएडजस्टेड में। एक्सपेंसेस में सैलरी एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस और ड्यूज एक्सपेंस और नहीं आ रहा है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस कहीं भी नहीं आ रहा। और कहीं पेएबल में आ रहा है? ये सिर्फ पेएबल 2 आ रहे हैं, तो ना तो इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है ना इंटरेस्ट पेएबल आ रहा है। इट मींस के पिछले 11 मंथ्स में इसने रिकॉर्ड ही नहीं किया ना, ऐसे ही है? यस सर। ठीक है बेटा, अगर से स्टेटमेंट में तो सर यही लग रहा है कि ये एयर एंड की एंट्री है। एयर एंड की एंट्री का मतलब ये समझ आता है कि ये 12 मंथ्स की पिछली सारी जो है वो एक्युमुलेट है। जी बेटा, वो एक्युमुलेट करके उसने इकट्ठा दे दिया ना, क्योंकि यहाँ पिछला कोई भी नहीं दिया हुआ, मैं यहाँ से कंफर्म हो गया, अनएडजस्टेड में कहीं भी नहीं आ रहा ना इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा ना इंटरेस्ट पेबल आ रहा, ठीक है। वन मंथ का करना होता है, उस मंथ को कंसीडर करते हैं, पिछले 11 मंथ्स को कंसीडर नहीं करेंगे अगर हम 31 दिसंबर की एंट्रीज बना रहे हैं तो। 31 दिसंबर की अगर बना रहे हैं ना बेटा, 31 दिसंबर में, ये मैं आपको बड़ी कंफ्यूजन क्लियर कर दूं,
31 दिसंबर को जो अगर मंथली एडजस्टमेंट्स रहती हैं वो भी करेंगे, अगर कोई ईयरली एडजस्टमेंट रहती है वो भी कर देंगे जो रह चुकी हुई है। अब ये पिछले 11 मंथ्स का भी उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं रिकॉर्ड किया तो इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो एडजस्टमेंट्स आर मेड ऑन मंथली और ईयरली बेसिस जो रिमेनिंग रह चुकी होती है, ठीक है। अच्छा बेटा ये अब लेस देन 1 मिनट शो कर रहा है मुझे, तो मैं आपको दोबारा से मीटिंग कॉल करता हूँ, प्लीज वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स, ठीक है। फिर हम पॉइंट 6 से स्टार्ट करते हैं। आई एम जस्ट कमिंग विद इन 2 मिनट्स, ठीक है।